यह कार्यक्रम हमारी संस्था सनातन धर्म परिवार सेवा आश्रम द्वारा किया जा रहा है। इसमें सभी लोग हमारे साथ बैठे हैं, हमारी कमेटी के सभी मेंबर यहाँ मौजूद हैं। ये कार्यक्रम द्वारा गौतम बुद्ध नगर में पहली बार होने जा रहा है। हनुमान जन्मोत्सव आज तक इस गौतम बुद्ध नगर में नहीं हुआ है, इतना भव्य जितना हम लोग करने जा रहे हैं, हमारी संस्था करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में मुख्य जो अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर महेश शर्मा हैं, और मुख्य अतिथियों में माननीय पंकज सिंह जी, सुरेंद्र नागर जी, अमित चौधरी जी, नवाब सिंह नागर जी, विमला बाथम जी, श्रीचंद शर्मा जी, कैप्टन विकास गुप्ता जी और योगेंद्र शर्मा जी और शिवदन चौहान जी उपस्थित रहेंगे। इस कार्यक्रम में जो गणमान्य उपस्थिति में हमारी तरफ अथॉरिटी की तरफ से माननीय इंदु प्रकाश जी, डीएम मनीष कुमार वर्मा जी, शिवपाल भाटी जी, पीताम्बर शर्मा जी, लिखित शर्मा जी, सुमेर रावत जी, सुनील चौधरी जी, विजय रावल जी, राकेश शर्मा, राजकुमार तंवर, करतार सिंह चौहान, महेश अवाना, राजकुमार चौधरी, ओम प्रकाश गोयल, मुकेश प्रधान सभी लोग उपस्थित रहेंगे। हमारे इस कार्यक्रम का जो मेन उद्देश्य है वो है कि हम लोग अपने बच्चों का अपना सब लोग जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन हमारे गौतम नगर में हमारे हनुमान बाबा का ये पहला भव्य आयोजन है जिसमें हम हनुमान जी का जन्मोत्सव मना रहे हैं। इसमें लगभग हमको उम्मीद है कि लगभग 5 से 6 हज़ार आदमी इस कार्यक्रम में पहुंचेगा और नोएडा के जितने भी गणमान्य लोग हैं वो इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। ये कार्यक्रम का जो रूपरेखा है वो रहेगी, सुबह 7 बजे से हम लोग पूजा अर्चना करेंगे सभी समिति के मेंबर्स, और पूजा अर्चना के बाद सुंदरकांड का पाठ का प्रारंभ हो जाएगा जो कि लगभग 12-1 बजे तक 2 बजे तक चलेगा। उस पाठ के बाद शाम को 5 बजे से भजन वर्षा की जो रूपरेखा रखी गई है उसमें भजन वर्षा शुरू हो जाएगी, जिसमें हमारे मुख्य कलाकार नरेंद्र कौशिक जी, संदीप मस्ताना जी, लखा जी, बहुत से कलाकारों द्वारा बहुत सुंदर सुंदर गीतों का वो होगा, आयोजन किया गया है। और इस कमेटी में हमारे साथ सभी लोग हैं हमारे, और हमारे साथ कम से कम 100 लोगों की वॉलेंटियर की टीम है जो इस कार्यक्रम में पूरे के पूरे कार्यक्रम को बिल्कुल डिसिप्लिन से और बिल्कुल तरीके से इसको हम लोग संपूर्ण करेंगे। और हमें इसमें शासन से भी पूरी सपोर्ट मिली हुई है, पुलिस प्रशासन के भी लगभग 50 से 100 जवान हमारे साथ इस कार्यक्रम में रहेंगे जो इसको सफल बनाएंगे।